आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चलो चलो भाई फटाफट, 15 मिनट में तिलहरी पहुंचना है। इतनी बुकिंग्स मिल जाती है साहब? बुकिंग तो बहुत हो जाती है, लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दो कि ऑटो रिक्शा को कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे, ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। रुको रुको, क्या हुआ साहब? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अभी के अभी भेजो भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए। लेट हो रहा है ना, मैं बाद में कर दूंगा। भाई तुम्हारे इस आइडिया से प्रदेश के ऑटो वालों का फायदा होगा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। बात तो आप सही कह रहे हैं साहब, शिवराज हैं तो हमें भरोसा है कि हमारा आइडिया सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। गुस्सा आता है जब इस महंगी डिग्री के बावजूद मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अरे गुस्सा आता है जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का झूठा वादा किया जाता है। आज भी याद है मुझे, हाथ जोड़कर कर्ज लिया था पापा ने, सोचा था नौकरी करके उनका बोझ हल्का कर दूंगा, पर आज खुद ही बोझ बन गया हूं। मैं मध्य प्रदेश का युवा हूं और रोजगार के झूठे वादे करने वाली इस भाजपा सरकार पर अब मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास। यार समृद्ध एमपी के लिए एक शानदार आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था समृद्ध एमपी के लिए। गुड, कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर, वही बता रहा था, आज का अखबार निकल जाए तो फिर कल शेयर करता हूँ भाजपा से अपना आइडिया। नहीं नहीं, पहले अपना आइडिया शेयर करो। अखबार के लिए तो रोज काम करते हो, आज प्रदेश के लिए काम करो। शिवराज हैं तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारे आइडिया से पूरे प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। गुस्सा आता है जब इस महंगी डिग्री के बावजूद मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अरे गुस्सा आता है जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का झूठा वादा किया जाता है। आज भी याद है मुझे, हाथ जोड़कर कर्ज लिया था पापा ने, सोचा था नौकरी करके उनका बोझ हल्का कर दूंगा, पर आज खुद ही बोझ बन गया हूं। मैं मध्य प्रदेश का युवा हूं और रोजगार के झूठे वादे करने वाली इस भाजपा सरकार पर अब मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। इतनी जल्दी में कहां जा रहा है? फसल बेचनी है ना, सोच रहा हूँ टाइम से मंडी पहुंच जाऊं। इस बार प्याज बंपर हुए ना? पिछले साल प्याज के दाम आसमान छू गए थे ना, तो इस बार सबने प्याज ही प्याज बोले, तो भाव थोड़ी ना मिलेंगे। अगर बुआई से पहले सरकार ये बता दे कि कौन से इलाके में कौन कौन सी फसलें बोई जाने वाली हैं, तो किसानों को कितना फायदा होगा। भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए यही आइडिया देने वाला हूँ मैं। आइडिया अच्छा है तेरा, अभी बेच। तेरे आइडिया से यदि किसान भाइयों का जीवन समृद्ध बनता है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और शिवराज है तो इस बात का विश्वास भी है कि हमारा आइडिया न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उस पर अमल भी किया जाएगा। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। गुस्सा आता है जब इस महंगी डिग्री के बावजूद मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अरे गुस्सा आता है जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का झूठा वादा किया जाता है। आज भी याद है मुझे, हाथ जोड़कर कर्ज लिया था पापा ने, सोचा था नौकरी करके उनका बोझ हल्का कर दूंगा, पर आज खुद ही बोझ बन गया हूँ। मैं मध्य प्रदेश का युवा हूँ
और रोजगार के झूठे वादे करने वाली इस भाजपा सरकार पर अब मुझे गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। क्या बात है, आज हाथ बड़ी तेजी से चल रहे तेरे। आज छोटू को टीका लगाने जाना है और सोच रही हूँ पानी साफ करने का फिल्टर भी ले आए। साफ पानी तो सबको चाहिए। वैसे सुन, कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गांव-गांव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। अरे तू जा अभी टीका लगवाने, सुझाव तो कल भी दे देंगे। कल नहीं, अभी भेजेंगे हाथों हाथ। समृद्ध एमपी में अपने सुझाव से हर गांव हर परिवार का अगर फायदा होता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। गुस्सा आता है जब इस महंगी डिग्री के बावजूद मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अरे गुस्सा आता है जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का झूठा वादा किया जाता है। आज भी याद है मुझे, हाथ जोड़कर कर्ज लिया था पापा ने, सोचा था नौकरी करके उनका बोझ हल्का कर दूंगा, पर आज खुद ही बोझ बन गया हूँ। मैं मध्य प्रदेश का युवा हूँ और रोजगार के झूठे वादे करने वाली इस भाजपा सरकार पर अब मुझे गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। सर, ये प्लान बनाया है, अगर इस टाउनशिप को हम जंक्शनलेस करते हैं तो ट्रैफिक काफी कम होगा। यानी बिना ट्रैफिक सिग्नल वाली टाउनशिप। गुड प्लान सर। आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर ये प्लान एमपी के शहरों में लागू हो जाए तो प्रदेश का कितना फायदा है। लो, भेजो समृद्ध एमपी के लिए। सर, प्रेजेंटेशन के बाद भेजती हूँ ना भाजपा को प्लान। सभी प्रेजेंटेशन तो होते रहेंगे, लेकिन अपने प्रदेश के लिए काम करने का मौका कब मिलता है। सर आप सही कह रहे हैं, और शिवराज जी तो हमारे प्लान को काफी रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। गुस्सा आता है जब इस महंगी डिग्री के बावजूद मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अरे गुस्सा आता है जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का झूठा वादा किया जाता है। आज भी याद है मुझे, हाथ जोड़कर कर्ज लिया था पापा ने, सोचा था नौकरी करके उनका बोझ हल्का कर दूंगा, पर आज खुद ही बोझ बन गया हूँ। मैं मध्य प्रदेश का युवा हूँ और रोजगार के झूठे वादे करने वाली इस भाजपा सरकार पर अब मुझे गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कश्मीरी पत्थरबाजों ने ली जवान की जान, अब तक पत्थरबाज माने जाते थे मासूम। बिहार पर बीजेपी और जेडीयू में समझौता, आधी आधी सीटें बटेंगी। संबित पात्रा का कांग्रेस पर हमला, सोनिया राहुल पर लगाए गंभीर आरोप। एक सौ सतासी इलाकों में पहुंची शिवराज की यात्रा, 43 विधानसभा क्षेत्र छूटे। सुप्रीम कोर्ट से नरोत्तम मिश्रा को बड़ी राहत, चुनाव आयोग की अपील खारिज। नमस्कार, मैं अनुराग शर्मा आपका स्वागत करता हूं दखल न्यूज में। अब बात करते हैं दिल्ली की। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच आगामी
आम चुनाव में सीटों के बंटवारे पर समझौते हो गए हैं। समझौते के मुताबिक बिहार में दोनों दल बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि अगला आम चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, एनडीए पहले से ज्यादा सीटें जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि सहयोगी दलों के साथ विचार विमर्श के बाद अगले चुनाव के लिए सीटों का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में बने रहेंगे। इस मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आपसी समझौते से सीटों के बंटवारे पर सहमति हो गई है। इस साथियों के चर्चा में शुरू होकर आया है कि 2019 के चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बिहार में भी एनडीए एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। नीतीश कुमार जी तीनों पूरे बिहार के कैंपेन की लीडरशिप लेंगे और अभी जो सीटें हैं बिहार में इससे ज्यादा सीटों के साथ 19 के चुनाव में हम मजबूत होकर और बाकी लोगों के बारे में अंतिम दौर में बात चल रही है और इसके बाद जो सुनना होगा जैसा कि मैंने बताया दो तीन दिनों के अंदर नंबर ऑफ सीट और इस बार नंबर ऑफ सीट की घोषणा हो जाए तो किस पार्टी को विश्वास करेगी संख्या हो जाए इन सब चीजों में ज्यादा वक्त। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनको बिहार की सूखाग्रस्त स्थिति की जानकारी दी। अमित शाह ने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा और रामविलास पासवान हमारे साथ रहेंगे। जब एक नया सहयोगी हमसे जुड़ गया है तो सभी के लिए सीटें शेयर में कमी आएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां कांग्रेस राफेल और सीबीआई में चल रही खींचतान पर भाजपा को घेर रही है, वहीं भाजपा ने भी फिर से नेशनल हेराल्ड मामले का राग छेड़ दिया है। भोपाल में बीजेपी ने बीच सड़क पर पत्रकार वार्ता कर नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया पर गंभीर आरोप लगाए। संबित पात्रा ने कहा कि मां और बेटी दोनों इस मामले में बेल पर बाहर हैं। पात्रा ने आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड और नवजीवन के प्रकाशन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने महाराणा प्रताप नगर भोपाल में लीज पर उन्हें जो जमीन दी थी उस जमीन का राहुल और सोनिया के स्वामित्व वाली कंपनी ने कमर्शियल उपयोग कर भारी भ्रष्टाचार किया है। दान का महत्व है कि पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, जो इमारत आपको दिख रही है, ये एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड AJL जिसको कि नेशनल हेराल्ड छापने के लिए मैंडेट मिला था और ये जमीन दी गई थी AJL को, उस जमीन पर खड़ी ये इमारत है। और आज मैं इस इमारत को भोपाल में बैठकर कहता हूं कि ये इमारत दिखाती है कि गांधी परिवार ने किस प्रकार से भोपाल और मध्य प्रदेश की जनता को लूटा है। ये साधारण इमारत नहीं है बंधु, ये इमारत भ्रष्टाचार का स्मारक है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाचार पत्र की जमीन पर कमर्शियल बिल्डिंग बनाकर भारी राशि गांधी परिवार ने हड़पी है। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि गांधी परिवार कई दशकों से देश को लूटने का काम किया है। संबित पात्रा ने भोपाल में नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग की बात करते हुए कहा कि मेरे पीछे जो बिल्डिंग है वो भ्रष्टाचार का मॉन्यूमेंट है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव निष्पक्ष हो सके इसीलिए निर्वाचन आयोग अब जिलों में भी रिटर्निंग ऑफिसर्स की बैठक ले रही है। छतरपुर के खजुराहो में मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी BL कांता राव ने बैठक ली। इस बैठक में जिले की 6 विधानसभा सीटों के निर्वाचन अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव में किसी भी तरह काले धन का उपयोग न हो सके, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। इसके अलावा चुनाव आचार संहिता को पूरी तरह से अमल में लाया जाए। इस बैठक में जिले के कलेक्टर SP के अलावा उपचुनाव अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग सहित प्रदेश के अधिकारी भी शामिल हुए। चुनाव की तैयारियों को लेकर के छतरपुर जिले के जितने भी हमारे 6 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी हैं उनके संबंधित यहां बैठक हुई जिसमें सभी हमारे
रिटर्निंग ऑफिसर, उसके अलावा हमारे डीओ साहब आए, फिर हमारे एसपी, फिर हमारे डीआईजी साहब, हमारे साथ सीओ, एमपी और आईजी जो है वो भी आए हुए थे, साथ ही डायरेक्टर एक्सपेंडिचर जो है दिल्ली से। तो देखते हैं कि चुनाव में जो है पैसे का कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, उसके बाद तो व्यवस्था अभी चल रही है, तैयारी पूरी तरह से की जा रही है और हम लोग इस चीज़ पर पूरी नजर लगाए हुए हैं और यही उम्मीद है कि जनता के सहयोग से ये लोग अच्छे तरीके से चुनाव का पूरा कार्यक्रम जो है संपन्न कर सकते। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा को बीच में ही रोक दिया। चुनाव की तैयारियों के चलते भाजपा ने यह फैसला लिया है। भाजपा के मध्य प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा को प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में घूमना था, लेकिन पार्टी ने इसे आधे में ही समाप्त करने का फैसला लिया है। सीएम शिवराज सिंह अपनी यात्रा में 187 विधानसभा में घूम चुके हैं। पार्टी की चुनावी की तैयारियों के चलते यात्रा रोकी गई है। हालांकि जन आशीर्वाद यात्रा को 55 दिन में 230 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचना था, लेकिन यात्रा 103 दिन में 187 विधानसभा क्षेत्रों में ही पहुंच सकी है। यात्रा समाप्त होने से 43 विधानसभा क्षेत्र छूट गए हैं। शिवराज सिंह की इस यात्रा में सभी जगह जबरदस्त भीड़ और लोगों के उत्साह देखने को मिला। कोंटा विधानसभा इलाके में बसपा के प्रत्याशी बुद्धराम कोटामी की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि बुद्धराम ने कोंटा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की कोंटा विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी बुद्धराम कोटामी के अपहरण मामले में रायपुर पुलिस ने जानकारी दी है कि पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार रायपुर के टीकरा पारा क्षेत्र में भी बुद्धराम अपनी पार्टी के कुछ साथियों के साथ फ्लैक्स बनवाने राजेंद्र नगर से रात टिकरा पारा पहुंचे थे। सभी बीएसपी कार्यकर्ता फ्लैक्स बनवाने पहली मंजिल पर चले गए। बुद्धराम नीचे गाड़ी के पास ही खड़े थे। साथ ही जब काम खत्म कर वापस आए तो बुद्धराम की सिर्फ स्कॉर्पियो खड़ी थी जिसमें वे नहीं थे। पुलिस के पूछने पर साथियों ने अपहरण की आशंका जताते हुए कोंटा ले जाने की बात कही। हालांकि इस बारे में बीएसपी ने कोई लिखित शिकायत पुलिस के पास नहीं की थी। रायपुर की राजेंद्र नगर पुलिस अपने स्तर पर इस मामले में की जांच में डूटी हुई है। कुछ नहीं बात नहीं कर सकता, लेकिन कल परसों तक बात करता हूं। लेकिन मेरे को यहां से अपहरण करके ले गए थे। देखिए, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में एक समझौता हुआ। 55 सीटों में जोगी कांग्रेस लड़ेगी और 35 सीटों पर बीएसपी लड़ेगी। फिर बाद में जोगी जी ने प्रयास किया सीपीआई को साथ में लाने का, तो उसमें हमारे कोटे से 35 सीटों में से 2 सीट दंतेवाड़ा और कोंटा सीपीआई के लिए छोड़ने के लिए कहा गया। तो तब तक हमारे बीएसपी से प्रत्याशी हमारे बुद्धराम कोटामी जी थे। तो हमने फिर जब 2 सीट सीपीआई को देने का बात हुआ तो हम लोगों ने हमारे बुद्धराम कोटामी जी को कहा कि भाई हमको छोड़ना पड़ेगा, ये सीपीआई के लिए है। इस मामले में अपहरण की कहानी से ज्यादा राजनीति नजर आ रही है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, बीएसपी और सीपीआई के गठबंधन में सीपीआई को कोंटा सीट देने के बावजूद बुद्धराम ने बहुजन समाज पार्टी से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बताते हैं, बुद्धराम की जिद के चलते उन्होंने बी फॉर्म भी पार्टी ने दे दिया है। इस मामले को वोट काटने की राजनीति से जोड़कर भी देखा जा सकता है। बिल्कुल स्पष्ट है, उनका ही हाथ है, लखमाराम का हाथ है। लखमाराम के इशारे पर कट्टा बुद्धराम का अपहरण हुआ है। मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ, अपहरण हुआ है और उनको अपहरण करके उनको प्रलोभन देंगे, पैसा देंगे, तमाम चीज़ें वादे करेंगे और उसके बाद उनका नाम वापस कराने का उनका इरादा है। ये योजना है, उसी योजना के अंतर्गत उसको रायपुर से अपहरण कर लिया गया है। मैं सब लोग को बोला उस दिन भी, कोई भी अगर चुनाव लड़ने से आता है तो लड़े, लेकिन मनीष कुंजाम जो हारने वाला आदमी आरोप पहले से लगाना उसी समझता है, इसलिए मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ये गठबंधन हुआ है। अगर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी का वोट कम्युनिस्ट को नहीं मिलेगा, इनके कारण मनीष कुंजाम ने अनाप चनाप आरोप लगाना बंद करे। ये 24 सब्जी तरीका से जब हम लोग स्कूटी में गए थे कलेक्टर ऑफिस से, उसको कंधा को पकड़ कर मनीष कुंजाम वहाँ से ऑफिस से देख निकल रहा था, मैं देखा भी नहीं हूँ, और मेरे ऊपर लगाना आरोप लगाना ये बेबुनियाद है, गलत है, पूरी तरह झूठ है।
भाजपा सरकार में जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट से नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में दिए गए फैसले को बदला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री नरोत्तम मिश्रा के लिए ये फैसला एक बड़ी राहत लेकर आया है। नरोत्तम मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज का खर्च की गई रकम को अपने चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने इस संबंध में चुनाव आयोग में शिकायत की थी जिसके बाद 2009 में उन पर कार्यवाही की गई थी। राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर 2008 के चुनावों के दौरान पेड न्यूज और चुनाव खर्च की झूठी जानकारी देने का आरोप लगाया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने 23 जून 2009 को नरोत्तम मिश्रा को 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। चुनाव आयोग ने पाया था कि उन्होंने साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपने चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था। मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इसी साल दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी जब हाईकोर्ट की डबल बेंच ने नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य करार दिए जाने के लिए चुनाव आयोग के फैसले को निरस्त कर दिया। बिजावर अनुविभाग अंतर्गत पीपट थाना पुलिस ने एक ट्रैक्टर को अवैध रेत का परिवहन करते हुए जब्त किया है। थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि नाले पर एक ट्रैक्टर रेत भर रहा था जिस पर मौके पर पहुंचे पुलिस बल द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर लिया और खनिज विभाग के साथ मिलकर आगामी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि क्षेत्र में रेत माफिया बेखौफ रेत खनन कर रहे हैं जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी की इस कार्रवाई को लेकर रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। 26 तारीख को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव के आसपास नाले के आसपास कुछ ट्रैक्टर अवैध परिवहन करते हुए जा रहे हैं। सूचना पर थाना पेपर से बल गया था। बल के द्वारा एक महिंद्रा ट्रैक्टर जो कि अहरवार का बताया जा रहा है उसको पकड़कर जब्त की कार्रवाई की गई है जो कि अवैध बालू का परिवहन कर रहा था। इसको अग्रिम कार्रवाई के लिए मायने विभाग को भेजा जा रहा है। आदन शराबी पिता की हरकतों से तंग आकर एक पुत्र ने अपने पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी। यह घटना सीहोर के नसरुल्लागंज इलाके की है। कहा जाता है कि पहले आदमी शराब पीता है फिर शराब आदमी को पीने लग जाती है। ऐसे में घर का सुख चैन शराब की भेंट चढ़ जाता है। ऐसा ही कुछ सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील के छोटे से गांव छिंदगांव मौजी में हेमराज के यहां हुआ। हेमराज शराब के नशे में हंगामा करता था जिससे लेकर गांव तक सब उससे परेशान थे। शराबी पिता की करतूत उसके पुत्र प्रीतम राज को नागवार गुजरने लगी। शराबी पिता को सबक सिखाने की नीयत से प्रीतम ने पिता की लाठी से पिटाई की। पिटाई से हेमराज की मौत हो गई। मौके पर जाकर पता किया तो रात में पता चला कि मृतक शराब पीने का आदी था। उसको परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा करता था। उसने रात को उसके लड़के ने गुस्से में आकर उसको जानलेवा हमला किया और उसके सर पर दूसरी बार वार की लकड़ी से उससे मतलब खून लगा हुआ छोड़ गया। सुबह देखा तो मृत अवस्था में पाया गया था। मौके पर जाकर कार्रवाई कर दी गई और आरोपी पुलिस हिरासत में आ गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक हेमराज का शव बरामद कर लिया। आरोपी पुत्र प्रीतम राज को गिरफ्तार कर लिया। अब नसरुल्लागंज थाना पुलिस ने कलयोगी हत्यारे पुत्र प्रीतम राज के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए दखल न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चलो चलो भाई फटाफट 15 मिनट में तिलहरी पहुंचना है। इतनी बुकिंग्स मिल जाती है? साहब बुकिंग तो बहुत हो जाती है लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं कि ऑटो रिक्शा को कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। रोको रोको, क्या हुआ साहब? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब भी भेजो भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए। लेट हो रहा है ना, मैं बाद में कर दूंगा। भाई तुम्हारे इस आइडिया से प्रदेश के ऑटो वालों का फायदा होगा। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? बात तो आप सही कह रहे हैं साहब।
शिवराज हैं तो हमें भरोसा है कि हमारा आइडिया सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। गुस्सा आता है जब इस महंगी डिग्री के बावजूद मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अरे गुस्सा आता है जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का झूठा वादा किया जाता है। आज भी याद है मुझे, हाथ जोड़कर कर्ज लिया था पापा ने, सोचा था नौकरी करके उनका बोझ हल्का कर दूंगा, पर आज खुद ही बोझ बन गया हूँ। मैं मध्य प्रदेश का युवा हूँ और रोजगार के झूठे वादे करने वाली इस भाजपा सरकार पर अब मुझे गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास। यार समृद्ध एमपी के लिए एक शानदार आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था समृद्ध एमपी के लिए। गुड, कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर, वही बता रहा था, आज का अखबार निकल जाए तो फिर कल शेयर करता हूँ भाजपा से अपना आइडिया। नहीं नहीं, पहले अपना आइडिया शेयर करो। अखबार के लिए तो रोज काम करते हो, आज प्रदेश के लिए काम करो। शिवराज हैं तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारे आइडिया से पूरे प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। गुस्सा आता है जब इस महंगी डिग्री के बावजूद मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अरे गुस्सा आता है जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का झूठा वादा किया जाता है। आज भी याद है मुझे, हाथ जोड़कर कर्ज लिया था पापा ने, सोचा था नौकरी करके उनका बोझ हल्का कर दूंगा, पर आज खुद ही बोझ बन गया हूँ। मैं मध्य प्रदेश का युवा हूँ और रोजगार के झूठे वादे करने वाली इस भाजपा सरकार पर अब मुझे गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? फसल बेचनी है ना, सोच रहा हूँ टाइम से मंडी पहुंच जाऊं। इस बार प्याज बंपर हुए ना? पिछले साल प्याज के दाम आसमान छू गए थे ना, तो इस बार सबने प्याज ही प्याज बोले, तो भाव थोड़ी ना मिलेंगे। अगर बुआई से पहले सरकार ये बता दे कि कौन से इलाके में कौन कौन सी फसलें बोई जाने वाली हैं, तो किसानों को कितना फायदा होगा। भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए यही आइडिया देने वाला हूँ मैं। आइडिया अच्छा है तेरा, अभी बेच। तेरे आइडिया से यदि किसान भाइयों का जीवन समृद्ध बनता है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और शिवराज है तो इस बात का विश्वास भी है कि हमारा आइडिया न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उस पर अमल भी किया जाएगा। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। गुस्सा आता है जब इस महंगी डिग्री के बावजूद मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अरे गुस्सा आता है जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का झूठा वादा किया जाता है। आज भी याद है मुझे, हाथ जोड़कर कर्ज लिया था पापा ने, सोचा था नौकरी करके उनका बोझ हल्का कर दूंगा, पर आज खुद ही बोझ बन गया हूँ। मैं मध्य प्रदेश का युवा हूँ और रोजगार के झूठे वादे करने वाली इस भाजपा सरकार पर अब मुझे गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। क्या बात है, आज हाथ बड़ी तेजी से चल रहे तेरे। आज छोटू को टीका लगाने जाना है और सोच रही हूँ पानी साफ करने का फिल्टर भी ले आए। साफ पानी तो सबको चाहिए। वैसे सुन, कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गांव-गांव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। अरे तो जा अभी टीका लगवाने, सुझाव तो कल भी दे देंगे। कल नहीं, अभी भेजेंगे हाथों हाथ। समृद्ध एमपी में अपने सुझाव से हर गांव हर परिवार का अगर फायदा होता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान।
मेरा सुझाव मेरा चुनाव समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। गुस्सा आता है जब इस महंगी डिग्री के बावजूद मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अरे गुस्सा आता है जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का झूठा वादा किया जाता है। आज भी याद है मुझे, हाथ जोड़कर कर्ज लिया था पापा ने, सोचा था नौकरी करके उनका बोझ हल्का कर दूंगा, पर आज खुद ही बोझ बन गया हूँ। मैं मध्य प्रदेश का युवा हूँ और रोजगार के झूठे वादे करने वाली इस भाजपा सरकार पर अब मुझे गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। सर, ये प्लान बनाया है, अगर इस टाउनशिप को हम जंक्शनलेस करते हैं तो ट्रैफिक काफी कम होगा, यानी बिना ट्रैफिक सिग्नल वाली टाउनशिप। गुड प्लान सर। आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर ये प्लान एमपी के शहरों में लागू हो जाए तो प्रदेश का कितना फायदा है। लो, भेजो समृद्ध एमपी के लिए। सर, प्रेजेंटेशन के बाद भेजते हो ना भाजपा को प्लान? सभी प्रेजेंटेशन तो होते रहेंगे, लेकिन अपने प्रदेश के लिए काम करने का मौका कब मिलता है। सर आप सही कह रहे हैं, और शिवराज जी तो हमारे प्लान को काफी रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। गुस्सा आता है जब इस महंगी डिग्री के बावजूद मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अरे गुस्सा आता है जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का झूठा वादा किया जाता है। आज भी याद है मुझे, हाथ जोड़कर कर्ज लिया था पापा ने, सोचा था नौकरी करके उनका बोझ हल्का कर दूंगा, पर आज खुद ही बोझ बन गया हूँ। मैं मध्य प्रदेश का युवा हूँ और रोजगार के झूठे वादे करने वाली इस भाजपा सरकार पर अब मुझे गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।